माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों पवित्र यूक्रिस्त के मिस्ट्रीज को, रहस्य को धीरे धीरे सीखते हुए आ रहा है। अनेकों बातों पर मिस्र बलिदान से जुड़ा हुआ, रोटी दाकर से जुड़ा हुआ, उस बलि से जुड़ा हुआ अनेकों बातों पर हम लोगों ने इन दिनों में मनन चिंतन किया। आज एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ईसा मसीह ने इस पास्का भोज को, इस यूक्रिस्तीय बलि को पास्का भोज के दिन में क्यों किया, या ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु और इस पासओवर फीस्ट में क्या संबंध है? सीधी सी बात, ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु या ये जो यूक्रिस्तीय बलि पास्का भोज के समय पर क्यों किया, अन्य दिनों में क्यों नहीं, क्या इसमें कोई संबंध है, करना जरूरी था, अन्य दिनों में नहीं हो सकता था? आज उसका उत्तर को हम सीखेंगे। सबसे पहले, अन्य दिनों में नहीं होना चाहिए। ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु और ये पास्का भोजन पासओवर फीस्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसी दिन ही होना चाहिए। जितने भी भविष्यवाणियां नबियों के द्वारा किया गया या पवित्र यूक्रिस्तीय बलि का या क्रूस बलि का, कालवरी बलि का जो प्रतीक पुराने विधानों में हमने देखा, और विशेष रूप से निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 का जो पासओवर फीस्ट है, जो पासओवर मील है, जो पास्का इसराइल जनता मिस्र देश की गुलामी से निकलने का उस तैयारी और वहां का वो भोज, ये सब हम लोगों को मालूम है ईसा मसीह के क्रूस बलि का प्रतीक मात्र था। एक्चुअल जो पास्का है ईसा मसीह का है। इसका मतलब ईसा मसीह ने जो पूर्व में जितने भी भविष्यवाणियां हुआ था, जितने भी बातें हुआ, घटनाएं हुआ, उसको सब पुराना विधान के उन विधियों को पूरा करते हुए उसी पास्का दिन प्रभु ने अपना बलि अर्पित करते हैं। उस पास्का बलि का हमें मालूम है एक यूक्रिस्त का पार्ट है, एक रोटी दाकरस का जो पार्ट है यूक्रिस्तीय बलि का, दूसरा एक रक्त बहा करके वो क्रूस बलि का, मेमना का जो बलि का एक पार्ट है। ये सब प्रभु ईसा मसीह में ये पूरा हुआ, इसलिए ये पासओवर फीस्ट के समय पर ही होना जरूरी है, क्योंकि वो ईसा मसीह में ही वो पूरा हो रहा है। दूसरी बात, जिस प्रकार यहूदी लोग, इसराइली लोग मिस्र देश की गुलामी से निकला, उस पासओवर फीस्ट के द्वारा उसको मनाते हुए लोग वहां से पास्का निकला, आज इस पास्का भोज यूक्रिस्तीय बलि अर्पित करते हुए हम लोग भी पाप की गुलामी से निकल करके
उस स्वर्गीय कनान में प्रवेश करता है, प्रभु ईसा मसीह के साथ एक बनता है। इसका मतलब पुराने विधान में इसके विषय में जितने भी भविष्यवाणी हुआ ईसा मसीह में वो पूरा हो रहा है। इसलिए ईसा मसीह को पवित्र यूक्रिस्त और अपना कलवारी बलि इस पासओवर बलि के साथ ही करना है। उसका वो भोज यूक्रिस्तीय भोज और उस बलि मेमने का जो बलि ईसा मसीह का कलवारी बलि होना है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 21 से 27 तक, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 21 टू 27 को अगर हम देखेंगे, वहां पर उस पास्का भोज के समय पर जिस प्रकार पहलौठे बच्चों का बचाने के लिए इसराइली लोग मेमने के रक्त को अपने चौखटों पर लगा करके बचाया, उसी प्रकार नए विधान में ईसा मसीह ने जो लहू कलवारी में बहाया उस कलवारी बलि के रक्त के द्वारा हम मानव जाति ईश्वर का जो पहलौठा जो संतान है, जो जिनको मुक्ति मिला है। और मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 26 वाक्य 28 में, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 28 में प्रभु ईसा मसीह ने यही कह करके कटोरा दिया, यह मेरा रक्त है नया विधान का। इसका मतलब पुराना विधान वहां पर समाप्त हो, चेंज हो गया। अभी वहां पर मूसा के समय पर मेमने का रक्त छिड़का करके एक विधान जोड़ा था, वो आज ईसा मसीह के रक्त का विधान, नूतन विधान, नया नियम का विधान मसीह के रक्त के द्वारा जोड़ा है। इसका मतलब इस मिस्सा बलिदान में जो भाग लेता है वो ईसा मसीह के उस विधान से जुड़े रहता है। इसीलिए पासओवर के दिन ही उस मिस्सा बलिदान को अर्पित करते हुए आज क्रिस्तियों को मिस्सा बलिदान से जुड़े रह करके जीवन जीना है, उसी के द्वारा उसे मुक्ति मिलता है, ये घोषणा करने के लिए। और अगला देखें, यहूदियों का वो जो परंपरा, हर वर्ष लोग पासओवर मनाते आए, पासओवर मेल उनके लिए खाना जरूरी था, उसके लिए नियम था कैसे करना है। और जैसे मैंने एक और क्लास में बताया था, जो रोटी और दाकरस का एक पार्ट है और मेमने का वध कर करके उसका भोजन करना वो दूसरा, ये दोनों मिल करके उसको पासओवर मील कहते हैं। और ये जो दो रोटी और दाकरस का ये जो पास्का मील करते हैं उसमें भी विधियां हैं, कई स्टेप है। और उसमें एक छोटा सा कटोरे में जो अंगूरी रखा जाता है, चार बार उसको पीना पड़ता है, चार बार उसको पीना पड़ता है। यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 22 को देखेंगे, वहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं प्रभु ईसा मसीह ने वाक्य 15 में बोला, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने के पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं। इसके बाद कहते हैं, इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं जब तक ईश्वर के राज्य में ना आए मैं दाखलदा का रस कभी नहीं पीऊंगा। ये बोल करके प्रभु ईसा मसीह ने प्याला प्रार्थना पढ़ करके दिया करके। बाइबल पंडितों का मत है ये सेकंड सिप पीने का, दूसरा पीने का। पहला कैसे, ये जो प्रारंभिक बैठते ही प्रार्थना में बैठता है, शुरू करता है, उस समय पर सबसे पहले वाइन को पी करके शुरू करता है, एक सिप लिया इसके बाद शुरू करता है, ईसा मसीह ने पर ये सब कहा। इसके बाद उसके बीच में सेकंड ये है, यहां पर ईसा मसीह ने ये नहीं कहा ये मेरा रक्त है करके, ईसा मसीह ने यूक्रिस्तीय बलि की स्थापना नहीं किया, वो कब किया, तीसरा जब पीते वक्त उसको कर रहा है। इसके बाद वाक्य 19 से, उन्होंने रोटी लेकर के धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद तोड़ा
उसे शिष्यों को दिया, मेरा शरीर है। देखो यहां स्थापित कर रहा है, यह मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसके बाद वाक्य 20 में लिखा है, इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद ये कहते हुए प्याला लिया। देखो अभी तीसरा टेम्बर लुटा रहा है। उस समय पर प्रभु कहते हैं, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये मेरा रक्त का नूतन विधान है, ये बोल करके प्रभु दे रहा है। इसका मतलब तीसरा प्याला मिस्सा बलिदान का स्थापित करते हुए। अभी चौथा प्याला, देखो यहां पर कहीं भी नहीं लिखा है चौथा प्याला हा प्रभु ने पिया। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 26 में भी थोड़ा जाते हैं, वहां पर भी हम लोग वाक्य 26 से मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26 ऑनवर्स हम लोगों को ये मिलता है। वाक्य 28 में मेरा रक्त है विधान का रक्त, इसका मतलब वो तीसरा प्याला वहां पर हुआ। इसके बाद प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं जब तक अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस नहीं पीऊंगा तब तक मैं दाख का ये रस नहीं पीऊंगा। इसके बाद वाक्य 30 में लिखा है, भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चले गए। इसका मतलब चौथा प्याला यहां पर भी नहीं पिया। मत्ती के सुसमाचार में और लूकस के सुसमाचार में हम लोग देख रहा है नहीं पीता हुआ। अभी इसको पीता हुआ कहां मिलेगा? योहन के सुसमाचार में हम लोग को मिलेगा, ईसा मसीह चौथा प्याला क्रूस पर पिया, चौथा प्याला क्रूस पर पिया। ईसा मसीह को कट्टी अंगूरी देता हुआ एक दूसरा प्रभु ईसा मसीह का दुख भोग चौथा प्याला है। दुख भोग क्रूस मृत्यु का, वहां पर जो कष्ट झेला है वो, प्लस वहां पर कट्टी अंगूरी दिया कर करके भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो चौथा प्याला इसका मतलब ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु का प्याला है, क्रूस मृत्यु का प्याला है। तो पास्का भोज इस प्रकार चारों प्याला पीता हुआ हम लोग देखते हैं। इसका मतलब है ईसा मसीह पासोवर के समय पर ये अंतिम भोजन करने का और क्रूस बलि अर्पित करने का नियम है, क्योंकि पासोवर बलि का जो नियम है हम लोगों ने देखा इस क्रूस बलि का नियम के अनुसार वहां पर नियम बनाया था। पासोवर का जो नियम है, पास्का का जो नियम है, ईसा मसीह का क्रूस बलि का नियम के अनुसार बनाया है, इसीलिए प्रभु ने इस प्रकार का कार्य किया। इसके बाद हमें मालूम है बेखमीर रोटी का, मैंने कल के नहीं एक दो दिन पहले एक क्लास लिया था खमीर रोटी और बेखमीर रोटी का क्या अर्थ है, और ईसा मसीह यहां पर बेखमीर रोटी का पर्व मनाया। ये दर्शाता है ये जो मेमना है ये निष्कलंक मेमना है, पाप नहीं है, ये दिखाने के लिए। और जो वाइन इस्तेमाल किया है वो ईसा मसीह का अपना रक्त, जो सैक्रिफिशियल जो ब्लड है उन्होंने जो बहाया बिली में जो बहाया, वो रक्त का प्रतीक, वही प्रतीक नहीं बोल सकता, वही है वहां पर वो दाकरस के रूप में पिलाया है। और यहूदी लोगों का वो जो ट्रेडिशन है आज भी मिस्सा बलिदान में, यूक्रिस्तीय बलिदान में, जैसे उन लोगों ने पासओवर मील का ट्रेडिशन रखा है, ईसा मसीह ने अभी इसको यूक्रिस्तीय बलि के साथ, क्रूस बलि और ये जो भोजन, ये दोनों एक बलि होकर के यूक्रिस्तीय बलि में है, इसलिए हम लोग इसको जारी रखा है। अगला, ईसा मसीह इसको स्थापित किया, ये हम बोल सकता है पुराना विधान से नया विधान में, पाप की जिंदगी से स्वर्ग राज्य की पवित्रता की जिंदगी में प्रवेश करने वाला एक प्रकार का एक ब्रिज, ये यूक्रिस्त से होते हुए हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है, इसलिए रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेना भी है। तो पास्का के समय पर ये पास्का भोज एक ब्रिज था इसराइलियों की गुलामी से निकलने का,
उसी प्रकार यूक्रिस्तीय बलि, कलवारी बलि हम लोगों के लिए स्वर्ग राज्य के लिए एक ब्रिज का काम भी करते हैं। अभी एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे लेवी ग्रंथ के अंदर हम लोगों ने लेवी ग्रंथ का अध्याय 1 से लेकर 7 तक 5 बलियों के विषय में सीखा, मैंने कई क्लासों में उसको भी बता करके दिया। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं अध्याय 8 से आगे, वहां पर पुरोहिताई के विषय में, पुरोहित क्योंकि ये बलि है, बलि अर्पित करने के लिए कौन चाहिए, पुरोहित की जरूरत है, तुरंत वहां पर पुरोहिताई के विषय में लिखा हुआ है, पुरोहितों को कैसे अभिषेक देना, पुरोहितों का वस्त्र कैसे होना है, पुरोहितों का जीवन कैसे होना है, ये सब बोलने वाला 8 से 10 तक का जो अध्यायों में हम लोग पुरोहित के विषय में देखते हैं। यहां पर भी पास्का के समय पर ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस का बलि अर्पित किया। इसके बाद वाक्य लूकस का सुसमाचार दिया है 22:19 में प्रभु ईसा मसीह ने उस पुरोहिताई संस्कार को ठहराया। कैसे? इस पास्का बलि को अर्पित करते रहने का आदेश देते हुए उन्हें नए विधान का पुरोहित बनाया, जिससे पुराने विधान के अंदर लेवी ग्रंथ में लेवियों को उस कार्य करने के लिए पुरोहिताई धर्म के लिए नियुक्त किया, उसी प्रकार ईसा मसीह ने यहां पर इस पास्का बलि के समय पर अपने शिष्यों को इस बलि को आगे बढ़ाने के लिए, इसका मतलब नए विधान का पुरोहित के रूप में उन्हें भी नियुक्त किया। जिस प्रकार उस बलि के द्वारा उनको उस गुलामी से मुक्ति मिल करके कनान की ओर जाने लगा, हम भी इस बलि के द्वारा, यूक्रिस्त बलि के द्वारा पाप से मुक्ति प्राप्त कर क्रिस्त से जुड़ करके स्वर्गीय आनंद में प्रवेश करता है। इसका मतलब पुराने विधान का उस लिबरेशन, उस मुक्ति, गुलामी से मुक्ति, यहां पर पाप से मुक्ति के साथ जुड़ करके हम लोगों को मिलता है। और सेम एलिमेंट्स को ईश्वर ने यहां पर चुना, उपयोग किया, और पाप की मुक्ति और स्वर्ग राज्य के लिए हमें यहां पर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ईसा मसीह के मृत्यु के द्वारा ये बलि खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये बलि ईसा मसीह के आगमन तक, अर्थात हम स्वर्ग पहुंचने तक ये बलि जारी है, प्रतिदिन इसको मनाते रहना जरूरी है। तो 4 भागों में हम लोग इसको थोड़ा विभाजित कर सकते हैं, अभी का क्लास है। सबसे पहले पुराना विधान का पूर्णता और उसको नए विधान के में शुरू करना, एक प्रकार का एक ट्रांसफर यहां पर हम लोग देखते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22:14 से 16 तक वचनों में हम लोग इस पास्का को इस प्रकार ईसा मसीह ने कंबाइन करता हुआ हम लोग पढ़ सकते हैं। और पुराने विधान का उन नियमों का पूर्तिकरण और नए विधान का उस शुरू हम लोग यहां से देखते हैं। इसराइली लोगों को जिस प्रकार उस पासओवर के द्वारा गुलामी से मुक्ति मिला, हम लोग इस मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के पाप से मुक्ति प्राप्त कर प्रभु में पवित्र जीवन जीने का कृपा मिलता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1337 में ईसा मसीह के दूसरे आगमन तक उनके यादगारी में इसको हमें करते रहने के विषय में वर्णन किया है। सेकंड, इसके अंदर एक बलि का भाग है, सैक्रिफिशियल एस्पेक्ट भी है। जैसे पास्का में केवल रोटी दाखरस को पीना खाना ही नहीं था, बल्कि उसमें एक मेमने का वध भी था, उसी प्रकार यहां पर पवित्र यूक्रिस्त में ईसा मसीह का कलवारी बलि भी जुड़ा हुआ है। मैंने जैसे बताया है, 4th प्याला उस कलवारी बलि में पूरा हो रहा है। इसका मतलब है मिस्सा बलिदान में एक सैक्रिफिशियल पार्ट है, जिसके द्वारा हमारा पापों का प्रायश्चित होता है, और प्रभु का शरीर रक्त उस बलि का वस्तु खाने के लिए भी हमें मिल रहा है।
कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में पास्का का जो यहूदी पास्का का सही मतलब हम लोगों को क्रिस्त के बलि के द्वारा ही पा सकता है, सीख सकता है, ये भी सिखाता है। तीसरा पॉइंट के अंदर जैसे हम लोगों ने देखा लेवी पुरोहिताई उसके लिए जरूरी है बलि के लिए, उसी प्रकार नए विधान में ईसा मसीह का इस बलि को आगे जारी रखने के लिए नए विधान का पुरोहिताई भी यहां पर हम लोग देखा है। लेवी ग्रंथ के पुरोहिताई जैसे नए विधान का पुरोहिताई कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1337 में भी इसके विषय में इस नए विधान का पुरोहिताई को ईसा मसीह ने यहां स्थापित किया करके बताता है। और आखिरी पॉइंट हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ये हमारा उस स्वर्गीय यात्रा के लिए हमें शक्ति प्रदान करने वाला है। योहन का सुसमाचार दिया है 6:51 के अंदर प्रभु को ग्रहण करते हुए वो हमें शक्ति, वो सच्चा भोजन और सच्चा भय, वो जब ग्रहण करेगा हमें आनंद जीवन मिलता है, हम प्रभु में और प्रभु हम में निवास करेगा। और जिस प्रकार यहूदियों को उस निर्गमन उस पास्का भोज के बाद जो खाने के लिए आकाश से मन्ना बरसा करके दिया था वो 40 वर्षों तक उन लोग खाता रहा, उसी प्रकार हमारे इस जीवन में पवित्र जीवन जीने के लिए स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी प्रभु ईसा मसीह को इस यूक्रिस्त के द्वारा ग्रहण करने के लिए इस पास्का भोज के पाप से निकलने करके इसके बाद आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें रोटी की जरूरत है, हमें प्रभु का शरीर और रक्त की जरूरत है, वो हमें शक्ति प्रदान करता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1391 में इसका वर्णन करके दिया है। ये यात्रा का एक भोजन है, वियातिकुम भी हम लोग कहते हैं जो यात्रा भोजन, तो हमारे लिए यात्रा का भोजन है, स्वर्गीय यात्रा हम कर रहा है उसमें हमें शक्ति प्रदान करता है। तो आज का क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया ईसा मसीह ने इस यूक्रिस्तीय बलिदान को पास्का के समय पर क्यों किया, क्योंकि ईसा मसीह का बलि ही सचमुच में जो पास्का है वो पाप के गुलामी से, शैतान की गुलामी से हमें मुक्त देने वाला। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु ईसा मसीह ने जो स्थापित किया हमारे भोजन के रूप में, प्रभु ने अपना शरीर और रक्त को दिया उसको ग्रहण करने का, इस प्रकार स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने का निर्णय करें। हरेक क्रिस्तीय को रोज प्रभु का ये शरीर रक्त को ग्रहण करना है। प्रभु ने प्रार्थना सिखाया प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, आज का रोटी पिसा बलिदान में जाकर के उसे ग्रहण करना है। प्रभु ने बोला है इसको प्रार्थना करो रोज हम उसका योग्य बन जाएं, प्रतिदिन जाकर के इस स्वर्गीय भोजन ग्रहण करें और प्रभु के साथ जुड़ करके एक पवित्र जीवन, आध्यात्मिक जीवन जीने की कृपा हम लोगों को मिले। इस प्रकार स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन, जो प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करेगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यही हमें आनंद जीवन देता है। इसलिए ईसा मसीह ने अपने शरीर और रक्त का ये बलि अर्पित किया ताकि हम उसे ग्रहण करते हुए, उसकी आराधना करते हुए हम जीवन जिए। निर्णय कीजिए कैथोलिक कलीसिया, इसलिए आप सबों को ये निमंत्रण देते हैं रोज मिस्सा बलिदान में आइए, प्रतिदिन का ये भोजन ग्रहण कीजिए, हमें पवित्र जीवन जीने का शक्ति देने वाला, पवित्र रहने का कृपा देने वाला इस भोजन को हम ग्रहण करेंगे। ये हमारे चंगाई का स्रोत है, नाना प्रकार के बीमारियां, बड़े बड़े बीमारियां इसका ग्रहण से दूर हो जाते हैं, हमें शक्ति मिलता है, हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलता है,
इसको ग्रहण कर आनंद रहने का, प्रभु में आनंद रहने का निर्णय कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।